Hi, this is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is example number 20 from page number 16.44 of Adi Sharma. This says, from a right circular cylinder with height 10 cm and radius of base 6 cm. Right circular cylinder hai, jiski height hai 10 cm. Height is 10 and base radius is 6 cm. A right circular cone of the same height, same base, same radius and same base has been removed. इसमें से remove कर लिया हमने. तो ये चीज इसमें से remove हो गई है. So हमारे पास बच रहा है ये वाला part. The part is still there. ये सारा पार्ट बच रहा है. सो दिस सेज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. पहले हमें रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है. सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. सो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr² h बिकॉज रेडियस एंड हाइट सब कुछ सेम है, इसलिए डिनोशन सेम है. सो यहां पर अगर हम इसका एलसीएम ले लें सो दिस विल बी 3 3πr² h माइनस πr² h मीन्स 2/3πr² h. दैट मीन्स 2/3π इंटू रेडियस इज बेस रेडियस है हमारे पास 6 × 6 एंड हाइट इज 10. 3 1s are 3 2s are. So 6 × 2s are 12, 2s are 24. That means 245 cm³. This is the volume for remaining solid. Then this says, we find karna hai the whole surface area. Whole surface area ke liye? Whole surface area. That means curved surface area of cylinder aayega pehle isme. Cylinder or curved surface area ka meaning hua, sirf bahar bahar ka portion. Outer. Na base na top. Fir hum lenge area of base of cylinder. बिकॉज सिलेंडर का बेस भी आ रहा है इसमें और हम इसमें ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. कोन का कर्व सरफेस एरिया. तो ये चीजें ऐड हो गई इसके अंदर. देख सो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इज 2πr h. बेस एरिया सिलेंडर का इज सर्कुलर दैट मीन्स πr². डिनोशन सेम रहेंगे बिकॉज रेडियस एंड हाइट्स आर इक्वल. कोन का कर्व सरफेस एरिया इज πr l. सो पूरे में कॉमन है पाई आर. अंदर बचा 2h प्लस यहां बचा आर प्लस यहां बचा एल. सो पाई एंड आर इज 6. 2 × h. हाइट हमें गिवन है इसकी. हाइट इज 10. रेडियस इसका है 6. स्लैंट हाइट हमें फाइंड करनी है एल. एल निकालने का फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच. हाइट हमारे पास है इसकी 10 का स्क्वायर एंड रेडियस हमारे पास है 6 का स्क्वायर. सो एल इज इक्वल टू 100 + 36. सो एल इज इक्वल टू 136. 136 का एलसीएम लेंगे तो 2 6s are 12, 2 8s are 16, 3s are 4s are 2 17s are 3 1s are. सो दो पेयर तो इसमें बन गए 2 का एक पेयर. 17 × 34 इज इनसाइड 2 34 व्हिच इज द स्लैंट हाइट. सो 6 5 ये बना 20 प्लस 6 + 2√34. दिस इज 6 5. दिस इज 26 + 2√34. 6 को मल्टीप्लाई करा 6 6 36. दिस इज 156 π + 12√34π. सो पाई कॉमन आ गया. दिस इज 156 + 12√34 cm². ये हमारे पास सरफेस एरिया. So this was example 20 from Adi Sharma, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.